गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु और यूनिटेक गुरु दोनों पर। ठीक है, चलिए आप सबका स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चा। एक बार आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाए, जितने हमारे प्यारे लाल हैं सब जुड़ जाए, क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट कर दिए जाए। सानिया जी गुड मॉर्निंग, जितेन जी गुड मॉर्निंग सबको, हाय विकास गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यार भरा नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे शेर आपको सुबह का प्यार भरा नमस्कार। डेली की तरह चाय लीजिए, डेली की तरह चाय लीजिए और एक बार जुड़ जाइए फिर से फिजिक्स के प्रैक्टिस सेशन में। ओके, प्रैक्टिस सेशन में शानदार तरीके जुड़ जाइए आप लोग, क्लास को बस शेयर कर दें। खुशबू जी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, सुबह का नमस्कार। एक बार क्लास को सेशन करके बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। मैं क्लास को स्टार्ट कर दिया हूँ और बेटा आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। देखो आज आपके लिए मैं पीडीएफ लाया हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज कल की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहें, शानदार किस्सों के साथ आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हैं। एक बार आप लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कीजिए, इसके बाद आप लोग क्लास का आनंद लीजिए। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, आवाज क्लियर है। जुनैद आलम गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बच्चा। अच्छा 25 को है सानी जी का एग्जाम, 25 को, बिल्कुल 25 को। मैं आपको दिखा भी देता हूं आप लोग का एग्जाम, एक बार मैं दिखा दूं। लिखने वाला कहां से आता है सर? ये देखिए बिहार पॉलिटेक्निक, मैं आपको दिखा देता हूं बच्चा एक बार। एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, इसके बाद चलिए देखिए बेटा बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम डेट आप लोग ध्यान से देखिए, आपका एग्जाम की डेट आ चुका है, कब है एग्जाम देखिए यहाँ से। अच्छा एडमिट कार्ड आ गया कि नहीं आप लोग का? आप लोग को एडमिट कार्ड मिल ही गया होगा, आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा बच्चा। यहां देखिए देखो एडमिट कार्ड 17 तारीख को रिलीज हो गया है, आप लोग का एडमिट कार्ड सबका रिलीज हो गया है। अगर किसी को बेटा एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत हो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, सबका एडमिट कार्ड भी आ गया है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप लोग का बेटा एडमिट कार्ड आ चुका है, अब बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने वाला, ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। जीरो डिग्री ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट, देखिए बेटा प्रैक्टिस सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन रिपीट करेगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है बेटा हर साल क्वेश्चन रिपीट ही करता है, इस चीज को नोट कर लो लाल। सर सेंटर दूर दूर गया है, सेंटर कहाँ गया आप लोग का, सेंटर कहाँ गया सानी जी आपका? आपको एडमिट कार्ड देखिए बेटा, आपको अगर आपको एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत हो या एडमिट कार्ड किसी का ना निकला हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। जीरो डिग्री ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी के 5 सेकंड बाद सुनाई गई, ध्यान समझिए क्वेश्चन को बेटा। जब ताप तुम्हारा क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, उसमें जब बादल गरजा तो बेटा 5 सेकंड बाद तुम्हें आवाज उसकी सुनाई दी। अगर तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो ध्वनि सुनाई देगी कितने सेकंड बाद? ये क्वेश्चन मैंने कराया भी आप लोग को। अरे सानी जी तो बड़ी अच्छी बात है, आपके घर के पास ही दे दिया है तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दे और अपने यार दोस्तों को बुला लो, विकास संजन जो बच्चे डेली देखते हो तो यार डेली रहा करें, क्योंकि आप मिस करेंगे तो आपको नुकसान है लल्ला। चलो तो बेटा मैंने बताया था कि इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? बी बराबर
332 अंडर रूट टी बाई 273 और ये मेरा टेम्परेचर आपका किसमें है, केल्विन में है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ, लेकिन दूसरे प्रैक्टिस सेशन में देखो यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ आपके एग्जाम में मिलना तय है लल्ला, ठीक है। तो बेटो यहाँ से देखो, अगर हम बात करेंगे किस पे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम साउंड की वेलोसिटी, ध्वनि की गति किस पे निकालते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 332। ये फार्मूला लल्ला याद करना, ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसी पुट करूंगा मैं। अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस जब निकालूंगा, 332 अंडर रूट टी किसमें होगा, टी यहाँ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने फार्मूले में आपको बताया बच्चा टी केल्विन में है, तो बच्चा तुम्हें बताओ जब जीरो को केल्विन में चेंज करते हो तो 273 जोड़ते हो ना, तो बेटा 273 केल्विन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 273 केल्विन अपान 273। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे आपको कितना आएगा, 332 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बेटा ये किस पर, आपकी जो ध्वनि की वेग है वो 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है, 332 है, ध्यान देना लल्ला। और इसके बाद पूछा क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि सुनाई देगी, मतलब कि क्या पूछा, ध्यान समझो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो फिर से पूछ लेना। ध्वनि की गति जो है बच्चा, जो तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस कर दे तब कब सुनाई देगी, जैसे मैं कह रहा हूं जब 0 डिग्री सेल्सियस था ना, तो बेटा जो हमें आवाज सुनाई दी बादल की वो 5 सेकंड बाद सुनाई दी। अगर मान लो हम ताप को बढ़ा दें तो ध्वनि कब सुनाई देगा, यही क्वेश्चन है। तो हमें बताओ, समय पूछा है, ठीक है, समय किस पे पूछा है, ध्यान समझना, टाइम पूछा है किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर तुम बताओ बेटा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तुम बताओ तुम क्या जानते हो, अगर तुम्हें समय निकालना है, समय कब सुनाई देगा, तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे ना लल्ला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल का फॉर्मूला तुम लगाओगे। अब अगर तुम बेटा, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस की बात किया है, अगर तुम्हें चाल अगर 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, अगर तुम्हें चाल 20 डिग्री सेल्सियस पता कर लो, तुम्हारा काम बन गया। कैसे, ध्यान सुनना, अगर बेटा हम लोग बात करें किसका, ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यहां से देखो, अगर हमें चाल किस पे मिल जाए 20 डिग्री, देखो समझना क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए तो गलत कभी नहीं करोगे। हेलो हेलो संजन जी, आपको सुबह का नमस्कार। विकास जी गुड मॉर्निंग, छपरा सेंट्रल स्कूल में गया है। दीपक सर बीसी की ऑनलाइन क्लास लगती है क्या, चलेगी चलेगी ऑनलाइन क्लास, 2 बजे चलेगी दोपहर में। देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमें समय निकालना है, तो हम लोग चाल निकालते हैं किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर्मूला लगा दो, वी 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 273 अपान टी बटे 273 होता है, सॉरी यहाँ 273, यहाँ 332, इसके बाद अंडर रूट में टी अपान 273। अब यहाँ पे बेटा 332, इस बार टी कितना हो जाएगा, इस बार 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 को जब केल्विन में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 273 में जब 20 जोड़ोगे कितना आएगा तुम्हारा लाल, तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 293 केल्विन। तो यहाँ क्या रखोगे, 293 बटे 273, ये कितना आएगा, 344, कितना आएगा, 340 मीटर पर सेकंड। अब तुम बताओ गुरु ये क्यों निकाले, हम इसलिए निकाले बच्चा, तुम ही बताओ, ध्यान समझना क्वेश्चन को, भले ध्यान से समझो, इसके बाद बताना करना समझा दे हमें बच्चा। 20 देखो, देखो ये क्वेश्चन पकड़ो, क्यों दोबारा रिपीट किया है, ये क्वेश्चन का आना तय है लल्ला, ध्यान सुनो, हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे समय पूछा है। तो बेटा समय का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। अगर हमें चाल पता चल जाए कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे चाल पता चल जाए, तो हमने भी 20 डिग्री सेल्सियस पे चाल निकाला, कितना आया, 344 आया। और बेटा दूरी, अरे लल्ला चाहे जो तापमान हो, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 20 डिग्री सेल्सियस हो, जो बादल और पृथ्वी की दूरी है तो समान होगी ना। अब तुम ही बताओ दूरी कैसे निकालेंगे, हम लोग दूरी निकालने के लिए क्या करें, यहां से देखो लाल, हम लोग क्या करते हैं दूरी निकालने के लिए, बेटा हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, समय गुणे चाल, ठीक है। अब तुम्हें बेटा समय किसका मालूम है,
जीरो डिग्री सेल्सियस का समय मालूम है 5 सेकंड। और बेटा तुम जीरो डिग्री सेल्सियस पे जब ब्लास्टिंग निकाले थे कितना आया था, 332 आया था, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुणे 332, गुणा करो कितना आएगा, 5 × 10, 5 × 15, 16, 5 × 15, 16, देखो 1660 मीटर। अरे चाहे लल्ला 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, बादल और पृथ्वी के बीच की दूरी समान होगी। आसान क्वेश्चन है, अभी फिर से समझा दूंगा, पहले समझो। तो 1660 मीटर आ गया, अब हमें मिल गया टाइम 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालने के लिए। बेटा दूरी 1660 है और बेटा टाइम 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना आया है, 344 आया है। जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना लल्ला, तो तुम्हारा आंसर आएगा 4.8 सेकंड। आसान क्वेश्चन था, आपका ए ऑप्शन सही हो गया, आपका ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए बताइए, बोली दीपक भाई हम बीसीए के स्टूडेंट हैं, आप बीसीए के लाल तो आपकी क्लास चलेगी ना, चिंता काहे कर रहे हो। थोड़ा जूम करिए संजन जी, मैं जूम कर देता हूँ। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने बता दिया 4.8 सेकंड कैसे आए, मैं एक बार क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। चलिए आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं क्वेश्चन को एक बार जूम कर देता हूँ। चलो देखो ध्यान से, आप तो दिख रहा है लाल, अब क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अब इससे ज्यादा करूंगा तो बोर्ड से बाहर आ जाएगा क्वेश्चन लाल। तुम बताओ अब दिख रहा है संजन जी, अब दिख रहा है आपको लल्ला, इसमें कुछ नहीं था। तुम एक चीज दिमाग में याद रखना है, गुरु हमें समय पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझो। तुम्हें क्या याद रखना है, मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, चिंता ना करो, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है लल्ला, इसलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं। हमें समय निकालना है मेरे लाल, हमें समय निकालना है किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे समय तुम्हें निकालना है, तो तुम जानते हो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लेकिन लाल चाल तुम्हें किस पे पता होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसी से हम लोग निकालेंगे, इसी फार्मूले का यूज करके निकालेंगे, फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है लाल, ध्यान से सुनना। समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल अगर 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर तुम पता कर लिए तुम्हारा काम बन गया। कैसे बना, अब चाल 20 डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला बताया है कि एक फार्मूला याद करना मेरे लाल, वी बराबर होता है क्या, 232 अंडरवुड टेम्परेचर अपान 273, ये टेम्परेचर केल्विन में है, किसमें है, केल्विन में, याद रखना। तुम बेटा इस पे किसी भी डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की वेग निकाल सकते हो, तो हमें जरूरत किसमें है, चाल 20 पे जरूरत है। तो हमने किया क्या, वी 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 332, और बेटा 20 को केल्विन में चेंज करोगे, टी पे खेलोगे, 293 आ जाएगा, तो 293 में 273, तो हमारा कितना आया, 344 आ गया। तो हमें बेटा समय निकालने के लिए चाल तो मिल गया, चाल कितना मिल गया, 344 मिल गया, लेकिन हमें एक चीज की जरूरत और, किसकी गुरु, हमें बेटा दूरी की जरूरत है। और तुम जानते हो ताप चाहे 50 हो चाहे 1000 हो, दूरी बादल और पृथ्वी के बीच समान रहेगी। तो चलो बेटा हमें बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी वेलोसिटी आई थी इस फॉर्मूले से 273 आई थी, कितनी आई थी हमारी वेलोसिटी, कितनी, 332 आई थी, ठीक है। अभी मैंने निकाला था जो 0 डिग्री सेल्सियस इस फॉर्मूला का यूज किए थे जब, तो 332 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आया था, वेग आया था। और बेटा हमें समय मालूम है 5 सेकंड, क्योंकि यहाँ तो समय मालूम है। अब इसका यूज करके हम लोग गुणा करके क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, 1660 आ गया। तो बेटा हमें दूरी भी 1660 मिल गया और वेलोसिटी भी मिल गई, हम समय निकाले, तो जब भाग दिए 1660 / 344, हमारा 4.8 सेकंड आ जाए। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा कट गया, बिल्कुल एक बार बेटा आपको समस्या समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है लाल, आगे बढ़े। सानिया संजन जुनैद जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरा, आगे बढ़े, बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आसानी क्वेश्चन है मेरे लाल, आसान क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, रुको तुम्हें अच्छे अच्छे, ये और क्वेश्चन कहां गए हो, चलो तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं मेरे लाल, ध्यान समझो, एक क्वेश्चन मैं ये कराता हूं तुम्हें, ध्यान से देखिए मेरे लाल, शेर क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत हो मेरे लाल पूछ लो, दिख रहा है कि नहीं मेरे लाल, तुम बताओ यार, नहीं तो कैसे काम चलेगा।
आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ये तो हम यहाँ पे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है क्या क्लियर? हाँ बेटा, एक बार अपना नेटवर्क देख लो बेटा, यहाँ तो अच्छा दिख रहा है यार। बेटा कुछ नहीं, कुछ नहीं कटा, मैं थोड़ा सा ही कर देता हूँ, रुको रुको, कटा कुछ नहीं है। 57 आप देखो, आपके सामने होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है के बाद कुछ नहीं लिखा है। अच्छा लिखा है ज्वाला की लंबाई। चलो मैं थोड़ा छोटा करना, अब देखो यार, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो तुम्हें यार बताओ यार तुम। यहाँ बेटा कुछ नहीं लिखा है, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ध्यान से समझो, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यहाँ लिखा है ज्वाला, ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं बेटा, यहाँ क्यों लिखा है ज्वाला की, ज्वाला की, इसके बाद देखो यहाँ से लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसकी प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी बताओ। सर बीसीए क्लास स्टार्ट करवा दो प्लीज। अच्छा ओके, ए के तिवारी, हम आपकी समस्याओं का बीसीए की क्लास देखो लगा होगा बेटा। ऑटो क्वालिटी 480 कर दो और क्या यार, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सानिया जी, अरे यार कुछ सीखो लड़कियों से तुम लोग, ऑटो क्वालिटी 440 करो तब अपने आप अच्छा दिखेगा क्या यार तुम भी। अरे लड़कियों से कुछ सीखो, कब सीखोगे मेरे लाल? यम्बी नहीं है लाल है, तो पढ़ना है तो यम्बी तो जरूरी जरी बच्चा, यम्बी कहीं से ले लो। चलो क्वेश्चन को ध्यान समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। थोड़ा पानी दे दीजिएगा सर। इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो लाइट से आना तय है, एक क्वेश्चन लाइट से आना तय है। एक बार बेटा आपसे, एक बार आपसे विनती है, प्रार्थना है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो यार। सेशन को एक बार शेयर लाइक दहाड़ के कर दो मेरे लाल। एक बार सेशन को दहाड़ के लाइक कर दो। सेशन को लाइक करो मेरे शेर, कहाँ गए सब मेरे शेर? अरे दीपक जी क्या तुम्हें दिक्कत है बच्चा मेरे दीपक? चलो अब देखो इस क्वेश्चन को समझाता हूँ सबको, ध्यान समझना, कोई बात नहीं करेगा, एक मिनट कोई बात नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को समझ लो, फिक्स क्वेश्चन आना है, ध्यान समझो। बेटा किसकी बात कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है, ध्यान समझो। मान लो मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, ये क्या आपका अवतल दर्पण। बेटा इसमें क्या है कि एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब, ठीक है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। अगर बेटा यहाँ मोमबत्ती रखते हैं तो बेटा दर्पण के सामने ही तुम्हारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, वी बराबर बेटा। और तुम जानते हो बेटा एक चीज, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब, ध्यान से सुनो मेरे लाल, लाइट से एक चैप्टर एक क्वेश्चन है, गलत होना चाहिए आप, ध्यान समझना। अगर बेटा वस्तु जहां रखा है उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में वहीं पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, तो प्रतिबिंब का जो साइन होगा निगेटिव होगा, इसको याद रखना मेरे लाल। पहली चीज क्या रखना है, जहां पे अगर वस्तु रखा है अगर वहीं पे प्रतिबिंब बन जाए तो हमेशा उसका जो साइन होगा निगेटिव होगा। क्या कर रहा है? प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनता है, मतलब यही बन रहा है, तो बेटा वी बराबर -30 सेंटीमीटर लेना हमेशा बेटा, ठीक है। और क्या कर रहा है? ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जो बेटा ये ज्वाला है, ज्वाला ये जो मोमबत्ती की ज्वाला है इसकी लंबाई दी है, मतलब हाइट दिया गया है। किसका हाइट दिया गया है? ऑब्जेक्ट का, जो ज्वाला रखी गई है क्या है बेटा? 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना, ठीक है। और तुम जानते हो बेटा जो ज्वाला का प्रतिबिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर में लाल, मतलब हाइट ऑफ इमेज, जो प्रतिबिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। और तुम जानते हो गुरुजी, अगर इमेज वास्तविक और उल्टा बनेगा
मतलब कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड वस्तु रखा है, अगर उसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो इमेज कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है मेरे लाल, तुम जानते हो उसकी डायरेक्शन की, उसके साइन क्या लेते हैं? निगेटिव। तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझे कि नहीं मेरे लाल? ये समझे कि नहीं? ध्यान समझना, कोई दिक्कत तो पूछ लेना, लेकिन देखते रहना बेटा, एक एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा आज, ठीक है? तो समझ में आया, वी को निगेटिव क्यों लिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर। और तुम जानते हो क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है? फोकस दूरी। गुरुजी हम दर्पण फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/1+u। दर्पण फार्मूला से हम जानते हैं गुरु, 1/f बराबर 1/v 1/u। लेकिन सर जी हमें तो ये मालूम है, क्या मालूम है? वी मालूम है, जो इमेज की साइज है वो तो हमें सर मालूम है। लेकिन अगर गुरु जी ऑब्जेक्ट की साइज मिल जाए ना, हमारा काम बन जाए मेरे लाल। देखो कैसे निकालेंगे। तुम आवर्धन जानते हो क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको याद रखना बेटा। जो आवर्धन होता है दर्पण के लिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। अगर देखे तो बेटा -v/u जो तुम्हारे प्रतिबिंब की दूरी बटे ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी, और लगे माइनस साइन लगता है यहाँ पे, याद रखना मेरे लाल। HIH बराबर v-u है आवर्धन दर्पण के लिए, इसको याद रखना, कहीं भी यूज पड़ सकता है। तो बेटा यहाँ से देखो, हमें मालूम क्या है? HIH मालूम है। HI कितना है? -5 है, -5, HO 10 है बेटा। और बेटा यहाँ से -v मालूम है, v बराबर -30 है और माइनस पहले से है, तो बेटा 30 हो जाएगा अपान u हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे लाल जब तुम निकालोगे ना, क्या -5u बराबर हो जाएगा 300, और जब u निकालोगे मेरे लाल तो -60 सेंटीमीटर आएगा। तुम्हारा काम बना कि नहीं? हमें u भी मिल गया और v पहले से मिला था। अब तुम फार्मूले में रखो, अब क्या है, अब तो हलवा है क्वेश्चन ना मेरे लाल। देखो अब फार्मूले में रखो, n/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v कितना है? -60 है, और बेटा प्लस तो, और यू कितना है? अच्छा वी बेटा क्या है? 30 है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 30 लिख लेते हैं। वी बराबर -30 है और प्लस 1/u बराबर कितना है? -60 है। अब जब गुरुजी इसका एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 60 आएगा, तो यहाँ से -2 हो जाएगा, और सर जी यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या? -1 हो जाएगा। तो बेटा क्या आ गया यहाँ से? यहाँ से देखो बेटा मेरे लाल, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 1/f बराबर क्या आया? यहाँ से देखो 1/f बराबर आ गया कितना? -2 -1/60। तो बेटा यहाँ से देखोगे -3f = 60 आएगा। f बराबर कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा बेटा, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है? माइनस यह बता रहा है कि फोकस दूरी वहीं पे होगी जहां ऑब्जेक्ट रखी है। जिस साइड फोकस दूरी कहाँ पे है? जिस साइड वस्तु रखी है वहीं आपकी फोकस दूरी भी है, इसलिए माइनस साइन केवल यही बताता है। तो बेटा आपका आंसर कितना आया है? 20 आंसर किसमें है? सी ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल सानिया जी, -20, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं सी आंसर, बहुत अच्छा। सानिया जी का आंसर सही होता है इस बार। संजन जी ने बताया था बी होगा गुरु जी, बी कैसे होगा संजन मेरे लाल? संजन भी कैसे बता रहे हो सर? हमें प्रॉब्लम है आ रहे ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं बच्चा। तुम एक बार सेशन और लाइक शेयर करो, ठोको, इसके बाद देखो दहाड़ूंगा फिर। और देखो आपका प्यार ही ना उत्साह लाता है, ध्यान देना। अरे पापा की परी हो चाहे मम्मी की परी हो, कि आंसर तो बता रही है। अरे चाहे पापा की परी हो, चाहे मम्मी की परी हो, चाहे अपने फूफा की परी हो, चाहे अपने बुआ की परी हो, आंसर तो बता रही है। आने राज, अगर तुमने अच्छे से तैयारी नहीं किया मेरे लाल ने, तुम्हें गारंटी देता हूं केवल तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहो यार। देख रहे हो 7 दिन से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ अपना बता रहा हूँ, 7 दिन से करा रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होना शुरू कर दिया है।
ठीक है मेरे लाल। तो जो करा रहा हूँ और जो 7 दिनों का मेरा लेक्चर है उसको देख लो, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे लाल, समझे लाल। चलो आगे बढ़ते, ये समझ में आया सबको बेटा? इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है क्या, आवर्धन बराबर क्या याद रखना मेरे लाल, तुम्हें बता देता हूँ कॉपी पे क्या नोट करना है तुम्हें। आवर्धन की वैल्यू याद रखना HIHO बराबर -VYU, ये याद रखना मेरे लाल, ये कहीं भी यूज आ सकता है, ठीक है। और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है क्या, दर्पण फार्मूला 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखना मेरे लाल, क्योंकि इसका यूज कहीं पर सकता है, समझ रहे हो ना। चलो बेटा ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन समझाता हूँ, शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूँ, ध्यान से देखिए, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने और मैं पटकता हूँ। ये देखो क्वेश्चनों तो गायब कर दिए हैं, ये क्वेश्चन गायब कर दिए हैं, ये वाला भी। वाह मेरे सिर, यहाँ एक क्वेश्चन था, क्या हो गया, तुम दो क्वेश्चन, चलो क्या बताया तुम लोग को यार, एक क्वेश्चन गायब कर दिए। चलो देखो, चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे आर्यन, जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, मरो ना तुम, जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, तुम्हारे लिए पॉलिटेक्निक ही नहीं रखा है, ये सब चीजें ना दिमाग में लाओ, जिंदगी में इतने मौके आएंगे ना, तुम कहोगे अरे गुरु कुछ नहीं होगा, तुम देखो सेशन, सेशन देखो और तुम्हें आंसर बताओ, सब बच्चे आंसर बताएं, सर बच्चे आंसर बताएं, बड़े विक्षेपण की घटना का कारण है, बड़े विक्षेपण की घटना का कारण है, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। चलिए सानिया जी आंसर दीजिए, आर्य राज जी आंसर दीजिए, बच्चा आंसर दो, आंसर दो, ए आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम लोग गलत करके चले आओगे और नाक कटा दोगे, पूरी तरह से पूरा का पूरा नाक कटा दोगे, नाक बचेगा नहीं, हम सांस ले नहीं पाएंगे, फिर सब काम खराब हो जाएगा, ऐसे ही होगा। सानिया, सानिया जी कैसे होगा, जुनैद जी कैसे होगा, संजन जी और सब आंसर दो, विकास संजन मंदन जो भी है, बबिता जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल बबिता जी का आंसर बिल्कुल सही है, वाह बबिता के लिए एक बार ताली बजा दो सब लोग। बबिता जी हमेशा एक्टिव रहती हैं लेकिन थोड़ा लेट पहुंचती हैं क्लास करने, अब इनकी कुछ अपनी समस्या होगी, लेकिन बबिता का आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो कैसे होता है, ध्यान देने बेटा, वर्ण विक्षेपण जो होता है, देखे मान लीजिए आप प्रिज्म लिए, ठीक है, जब बेटा कोई एक सफेद वर्ण आती है तो आप लोग जानते हो बेटा ये क्या होती है, ये 7 कलर में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 7 कलर में आपकी, ध्यान दीजिएगा 7 कलर में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक कलर और, ठीक है, तो बेटा 7 कलर में आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है। ये ऐसा क्यों होता है मेरे लाल, इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, एग्जाम में पेट क्वेश्चन आना, जो वर्ण विक्षेपण होता है 7 कलर में डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसको याद रख लो। क्या कारण है, जो बेटा ये प्रिज्म, ये जो आप प्रिज्म देख रहे हो ना, जो इसका अपवर्तनांक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो इसका अपवर्तनांक है, ये बेटा ध्यान देना, रेड के लिए कुछ और होता है, वायलेट के लिए कुछ और होता है, इंडिको के लिए कुछ और होता है, ब्लू के लिए कुछ और, ऐसे 7 रंग जो है, विवग्योर जानते हो ना आप, विवग्योर आपको जब पता ही होगा, तो बेटा युवग्योर में जो 7 रंग मिलते हैं वो बेटा उनकी तरंग धैर्य अलग अलग होती है, हर रंग की तरंग धैर्य अलग अलग होती है, तो बेटा प्रिज्म पदार्थ का प्रवांक भिन्न भिन्न तरंग धैर्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो इसका देखिए ये पदार्थ, देखो ये समझा देता हूँ समझ लो, ये जो का आपका प्रिज्म है ना, देखो इसका सबसे कम डेविएशन हुआ है, इसमें जो विचलन हुआ है सबसे कम किसका हुआ है, लाल रंग का हुआ है, और सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हो, क्योंकि जो प्रिज्म का पदार्थ है इसका अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य, इसका अपवर्तनांक हर तरंग दैर्ध्य के लिए
अलग अलग होता है मेरे लाल, याद रखना इसको। समझ में आया? समझ में आया? अरे चाचा की परी हो चाहे जिसकी परी हो बेटा, चाहे मौसा की परी हो, क्वेश्चन तो बता रही है वो। इसको याद कर लो बस मेरे लाल, इसको याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं बेटा, क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं, इसलिए विनती करता हूँ इसको याद कर लो। क्या याद करना है गुरु इसमें बेटा? एक चीज याद रखना है, जो प्रिज्म से सफेद रंग आता है, जो सात कलर में डिवीजन होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। क्या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा मेरे लाल? लाल रंग का है। कॉपी पे नोट करो, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसको कॉपी पे नोट कर लो, अभी तुरंत तुरंत नोट कर लो। और बेटा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का होता है। इसको भी नोट करो कॉपी पे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ वर्ण विपेक्षा की घटना का कारण पूछा है, लेकिन क्वेश्चन और तरीके से आ सकता है लाल, इसलिए कॉपी पे तुरंत नोट करो, कॉपी पे नोट करो लल्ला। क्या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? आंसर बताओ चलो। अरे कुछ लिख दिया करो बच्चा तुम लोग भी। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य बेटा लाल का होता है, रेड का होता है। और कितने कलर होते हैं? सात कलर होते हैं। जब प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट जाता है, उस सात रंगों में डिवाइड हो जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सात रंगों में कैसे याद रखेंगे नाम गुरु? विवग्योर का फार्मूला याद कर लो, विवग्योर का फार्मूला याद कर लो, नाम कभी नहीं भूलेगा मेरे लाल। V माने होता है वायलेट बैगनी, I माने इंडिको, B माने ब्लू, और ये बेटा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपका रेड हो गया। तो बेटा सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य मैंने किसका बताया? लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है। और बेटा जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, उसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को याद रख लो। क्या जिसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य मतलब क्या बेटा? बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, इसलिए सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ है? बैगनी में। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, इसलिए सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसको याद रखना मेरे लाल, लाल का ही होता है सर, बिल्कुल। प्रिंस कुमार रेड, सबको याद होना चाहिए, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए मेरे लाल। अगर गलती करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, गलती करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? गलती करोगे ऐसे क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। हम ऐसे नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया है वही पढ़ा के काम अपना कर लें बेटा। आपको हमारी जिम्मेदारी है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैं सॉल्व करा दूं, ठीक है? चले आगे, आगे चले मेरे लाल, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे लाल, समझते रहना इसको। चलो बेटा 59 क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर बताओ। देखते हैं हमारे किस बहादुर का आंसर सबसे पहले आता है। ये सब बेटा कोहिनूर क्वेश्चन है, हीरा हीरा, जान लो। आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा बेटा सेशन नहीं देखा है, जाके पिछला सेशन भी देखे बेटा, गारंटी लेता हूँ 30 में 30 आपको मिलेगा। इस चीज को बेटा विश्वास कर लो, ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। संजन जी बता रहे हैं सी। चलिए बेटा और मैं आंसर देखता हूँ, और बच्चे बताए, खुशबू, सानिया, बबिता जी आप लोग भी आंसर दीजिए। ये लोग कहाँ चले गए? प्रिंस कुमार आप आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मेरे लाल। जुनैद आलम जी भी बता रहे हैं 1/FD। अभी मैं देखता हूँ, सबसे पहले आंसर जो देगा उसका मैं भी देखता हूँ। कुछ लोग भी बता रहे हैं, संजन जी सी बता रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और कुछ बच्चों का आंसर आ जाए बेटा, आंसर देते रहा करो। गोरियल कुमार बता रहे हैं बी, गोरेलाल कुमार बता रहे हैं बी। चलिए गोरेलाल जी आपका आंसर भी मैं चेक करता हूँ, और बच्चे आंसर दें। और बच्चे सब कहाँ गए मेरे लाल? बबिता जी बता रहे हैं डी। चलिए बबिता जी का भी हम देख लेते हैं, बबिता जी का भी हम लोग देख लेते हैं कि आंसर इनका सही है गलत। और बेटा आंसर तो बिना आंसर देने काम नहीं चलेगा बेटा आपका। मैं एक एक कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर नहीं देंगे। आपको बेटा हर हाल में आंसर देना है, और आंसर दो तुरंत। चलो तुम बताओ सानिया क्या आंसर होगा,
सब बच्चे बताए तुरंत ईश्वर। हमको नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम मेरे लाल आर्यन, इसमें क्या है जो तुम्हें नहीं मालूम है? इसमें मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुम्हें नहीं मालूम है? इतना आसानी तो बेटा क्वेश्चन, अगर ये नहीं मालूम है फिर कैसे तुम्हारा होगा सिलेक्शन लाल? अरे ये सब तो मालूम ही होना चाहिए मेरे बच्चे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे लाल, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपके सेशन का आज का। अभी भी दो और कितने कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे तब तो तुम्हारा एकदम पंचर हो जाओगी तुम तब, और पंचर नहीं होना है मेरे लाल, तुम्हें ध्यान देना इस चीज का, पंचर तुम्हें नहीं होना है। चलिए बी आंसर बता रहे हैं, मैं देखता हूं किसका आंसर सही आता है, मैं देखता हूं सबसे पहला आंसर किसका आया है और सबसे सही किसका आया है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोग के लिए, ध्यान देना बेटा, जो बेटा ये क्षमता होता है तुम इसका ध्यान समझो, ध्यान समझो, जो बेटा ये क्षमता होता है बेटा, आप लोग जानते हो जो क्षमता होता है वो कितना होता है, जो आपका ये क्षमता होता है बेटा कितना होता है? एक बटे फोकस दूरी होता है, वन अपान एफ होता है। लेकिन बेटा एक चीज जो याद करने वाली चीज है क्या है कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगा, किसमें होगा? मीटर में होगा। अब लगाओ, अब बताओ आंसर। अब मैं आपको हिंट भी दे दिया हूं, हिंट भी दे दिया हूं, अब बताओ आंसर बेटा, अब तुम आंसर बताओ, मैं आपको हिंट दे दिया हूं और क्वेश्चन पढ़ लेना, किसमें मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में? संजन जी बता रहे हैं सी आंसर होगा, बेटा सी आंसर होगा, तुम बता रहे हो सी होगा तो एकदम सोच समझ लिए हो, एकदम कंफर्म हो? चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं हम लोग को बच्चा, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मैं देखता हूँ बेटा ये सब आसान क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व कराता ताकि आप लोग को आना चाहिए। देखो बेटा मैं सॉल्व करा देता हूँ, ध्यान समझो बेटा, उत्तल लेंस की जब भी बात करें, ध्यान समझना एक चीज, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, जब भी आपसे किसकी बात करे, जब भी बेटा आपसे उत्तल लेंस की बात करे, एक चीज याद रखना बेटा, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, ऑपरेटर साहब कुछ कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, देखो बेटा जब भी आपसे उत्तल लेंस की बात करे, जब भी किसकी बात करे, उत्तल लेंस की, कुछ चीजें बता दे रहा हूं कॉपी पे नोट कर लो, जब भी आपसे बेटा उत्तल लेंस की बात करे तो हमेशा याद रखना जो तुम्हारी क्षमता होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, ठीक है? और जब भी आपसे अवतल लेंस की बात करे, क्या देखो मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूं, सबको ध्यान सुनना लल्ला, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, जब भी उत्तल लेंस की बात करें तुम्हारा क्षमता क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब बेटा अवतल लेंस की बात करें तो हमेशा क्षमता किसमें होगा, निगेटिव होगा। कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे नोट करो तुम बेटा, इसी से तुम कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन प्रोसेस से कुछ क्वेश्चन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब भी बेटा उत्तल लेंस से बात करे तो बेटा हमेशा पॉजिटिव, इसमें किसकी बात कर रहा है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन तो अपने आप कट हो गया, ये ऑप्शन तो अपने आप कट हो गए मेरे लाल। जब उत्तल लेंस की बात करें तो एक चीज याद रखना कि हमेशा क्षमता किसमें होगा, पॉजिटिव होगा, और जब अवतल लेंस की बात करें
तो हमेशा बेटा क्षमता किसमें आ गया, निगेटिव में आ गया मेरे लाल। इस चीज को याद रखना मेरे बिहार के शेर, इस चीज को याद रखना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उत्तर लेने की क्षमता होती है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव माइनस या कोई नहीं। तो याद रखना उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव में और अवतल लेंस की निगेटिव में। और एक चीज याद रखना लाल कि क्षमता जो फार्मूला होता है 1/ फोकस दूरी होता है, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। और तुम्हारा क्वेश्चन किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। लाला सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करो कितना आएगा बेटा, ये मीटर में है फार्मूला लेकिन क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको बेटा किसमें चेंज कर लोगे, मीटर में। तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/f/100। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में मीटर में चेंज करोगे तो 1/100 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/100। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा जो ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/f आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100/f। तुम्हारा सी ऑप्शन सही हो गया। क्या सही हो गया, सी ऑप्शन आपका सही होता है। समझ में आया, समझ में आया भक्ता जी, आपने ये आंसर गलत कर दिया था। तो एक चीज आप इसीलिए मैंने बता दिया कि ताकि आप आज के बाद कभी ना गलत करें, उत्तर लेंस बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा, उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा निगेटिव होती है। और कोई लेंस से जो फार्मूला होता है 1/f, लेकिन f मीटर होना चाहिए। और देख ले बेटा क्वेश्चन हमेशा सेंटीमीटर में देगा, क्वेश्चन हमेशा सेंटीमीटर देगा, इसलिए आपसे विनती है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने में बहादुर शेर। सी बताता है सपौल बिहार गुरुजी आशीष गुप्ता, 100 आएगा आशीष गुप्ता का बता रहे मेरे लाल। सी बताता है समझी बबीता जी, समझी आप, आपने आंसर गलत बताया था इसलिए मैंने आपका कांसेप्ट मैंने सोचा क्लियर कर दें। और बेटा एक चीज याद रखना, जो बेटा क्षमता की यूनिट है वो तुम्हारी डायोप्टर होती है, जो पावर की यूनिट है वो डायोप्टर होती है। क्षमता माने अंग्रेजी पावर, तो क्या होती है डायोप्टर होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मजा आया, सी होगा, बिल्कुल सी होगा। चलो आगे चलते हैं, किस क्वेश्चन और करते हैं बेटा, मैं देखते हैं आप लोग के लिए जो भी शानदार शानदार क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैं उसको सोच रहा हूँ सॉल्व करा दूं आपको, कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। चलो बेटा मैं 64 पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे, 64 क्वेश्चन चलिए सॉल्व करिए, क्या होगा आंसर। ए आंसर आएगा सी बता रहे हैं आप लोग। चलिए सबसे पहला आंसर आया है आर्यन राज का, नहीं संजन कुमार का आया है। चलो आर्यन राज का भी ए आ रहा है, चलिए और मैं वेट कर रहा हूँ और आंसर बताए। संजन कुमार जी ए बताता है सपौल बिहार गुरु जी, जुनेद आलम जी ए बता रहे हैं, मेरे लाल एक बार सेशन को शेयर कर दो, बी आंसर आशीष गुप्ता जी। और आशीष आपका आंसर बिल्कुल सही है, याद रखना बेटा जो घरों में हम लोग यूज करते हैं क्या विद्युत परिपथ, वो हमेशा बेटा समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में इसलिए होता है, ये हमेशा बेटा समांतर क्रम में इसलिए होता है क्योंकि बेटा अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, मान लो तुम अगर बल्ब को समांतर क्रम में जोड़े हो, घर में जुड़ा है, अगर तुम्हारा कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो केवल वही बल्ब खराब हो और सब बल्ब जलता रहे। अगर तुम सीरीज में कर दोगे ना बच्चा, श्रेणी क्रम में अगर तुम बल्ब को जोड़ते हो, तो बेटा अगर एक बल्ब खराब हुआ तो सब बल्ब खराब हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। घरों में देखते हो जो सजाते हैं, जो जब एकदम क्या कहते हैं उसको, जो घरों में लगाते हैं जो झालर, जो घरों में झालर लगाते हैं शादी विवाह में, देखा करो बेटा उसमें ना पैरेलल हमेशा किसमें जुड़ा होता है, समांतर में। नहीं तो क्या होगा अगर सीरीज में जोड़ देंगे, अगर एक लाइट खराब हुई तो पूरे शादी में जो है ना सब बंद हो जाएगा, पूरा अंधेरा, सब मजा खराब। इसीलिए समांतर में अगर कोई एक खराब हुआ तो वही खराब हो और सब जलता रहे। इसीलिए बेटा जो झालर का यूज करते हैं वायरिंग, वो बेटा हमेशा समांतर क्रम में, और घरों में भी जो हम लोग यूज करते हैं विद्युत परिपथ समांतर क्रम में याद करते हैं, ठीक है, समझ गए मेरे लाल। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सानिया जी।
आशीष गुप्ता आपका आंसर बिल्कुल सही था, सबसे पहले आपने ही आंसर दिया था दीपावली में। बिल्कुल संजन, दीपावली में जो झालर यूज करते हैं ठीक है, वो झालर हमेशा पैरेलल में जुड़ा रहता है किसमें, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ बेटा विद्युत परिपथ दिया है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा याद रखना समांतर क्रम में। और क्यों जुड़ा रहता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है समझ में आया मेरे लाल? आगे चले मेरे लाल, मेरे लाल गोपाल आगे चले। जय हो आशीष जी, जय हो। चलो मेरे लाल आगे चलते हैं, समझ में बेटा आ रहा है कि नहीं हमें बताते रहना मेरे शेर, समझ में आना चाहिए। चलो बेटा एक लंबे सीधे तार में देखो, आज कुछ मैग्नेटिक चुंबक और विद्युत के भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, चुंबक और विद्युत के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, शानदार शानदार। चलो देखो एक एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बेटा तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकी होगा। चलो बताओ आंसर कितना आएगा मेरे लाल, आंसर कितना आएगा तुम तुरंत बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। शानदार क्वेश्चन है बेटा ये, एक तुम्हारा तार है उसमें तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर की? 12 एम्पियर की। गुरुजी एक ये सीधा हमारा तार है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और हमसे पूछा क्या है मेरे लाल, हमसे पूछा है कि तार से अगर 48 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम लोग चुंबकी दूरी पर, ये बेटा चुंबकीय तीव्रता है, लोग हमारे ऑपरेटर साहब लिखे नहीं है कोई बात नहीं, तुम लोग समझदार हो समझते हो, चुंबकीय फील्ड पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो बेटा 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा मेरे लाल? एक फार्मूला अपने कानों में नहीं अपने दिमाग में नोट कर लो, कान में मत नोट करना क्योंकि एक कान से जाएगा दूसरे कान से निकल जाएगा। तो बेटा बी बराबर होता है क्या, न्यू नॉट आई अपान 2πr, क्या बेटा 2πr, इस चीज को नोट कर लो, ये कब लगाओगे मेरे लाल? इसको तब यूज करना है, इस शस्त्र को तभी यूज करना जब तुम्हारा तार क्या हो, स्ट्रेट हो सीधा हो। इस शस्त्र को कब यूज करोगे जब तुम्हारा तार अगर स्ट्रेट हो और उस तार से कुछ दूरी पे तुमसे चुंबकी क्षेत्र पूछा हो, चुंबकीय तीव्रता पूछा हो, मेरे लाल बिना सोचे समझे अपने दिमाग से ये वाला बाण तुरंत निकाल देना। कौन सा बाण? न्यू नॉट आई अपान 2πr। अब यार रखा क्या है, अब वैल्यू रखो, क्वेश्चन आपका आंसर आपके हाथों में रहेगा, समझ रहे हो मेरे लाल? ई आंसर सर जी, वाह रे मेरे शेर तुम तो कमाल कर दिए हो, मेरे शेरों तुम तो कमाल कर दिए हो, और ऐसे कमाल करोगे तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरे लाल, तुम्हारा क्या हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा मेरे लाल। बिल्कुल मेरे शेर ऐसे ही धुआं धुआं करो, आज ऐसे ही धुआं धुआं करो, और अपने और यार दोस्तों को बुला के लाओ, वो भी आपके साथ धुआं धुआं करें। दत्त कुमार जी का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। आपको एक चीज और बता दूं, आप वैल्यू रखो, न्यू नॉट की वैल्यू पता है तुम्हें, न्यू नॉट की वैल्यू जानते हो? चलो कोई लड़का बताए तो मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ कौन बच्चा न्यू नॉट की वैल्यू बताता है। अरे मेरे विकास शेर तुम अब तक कहाँ थे, अब तक तुम कहाँ थे, क्लास बिल्कुल सूना लग रहा था, मैं देख रहा हूँ बेटा आपको क्या बताना है, न्यू नॉट की वैल्यू बताना मेरे लाल। नहीं पता आशीष गुप्ता, तो हम किस लिए है बेटा, इसीलिए तो हम है ताकि तुमको जो नहीं पता वो सब पता हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूं, ऑप्शन नहीं देंगे मेरे लाल, हर चीज का ऑप्शन नहीं दिया जाता, इसमें तो तुम्हें यूज करना है। याद रख लो बेटा न्यू नॉट की जो वैल्यू होती है ना वो 4π × 10⁻⁷ होती है, क्या होती है 4π × 10⁻⁷, इसको कभी गलती से ना भूलना, और किसी को भूल जाना अपने उसको भूल जाना लेकिन इसको ना भूलना। समझ रहे हो मेरे लाल, अपने उनको भूल जाना लेकिन ये फार्मूला ना भूलना, नहीं तो तुम्हारा पॉलिटेक्निक तुम्हें भूल जाएगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अरे नहीं समझ रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे लाल? समझ में आया, न्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होता है। अरे विकास उसी को अब क्या बताए, जाने दो, कभी बताएंगे
अब आपका अपना अपना पर्सनल है, रखे रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मजाक बहुत हो गया, बीच में मजाक कर दिया आप लोग पूरा एकदम। चलो बेटा, न्यू नॉर्थ की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होती है। अब तुम बताओ लाल, बी बराबर अगर न्यू नॉर्थ रखोगे क्या 4π × 10⁻⁷, और बेटा तुम्हारा करंट कितना है, कितना करंट दौड़ा है, कितना करंट है? अरे लगे रे 440 से वोल्ट छूने से तेरे नहीं, करंट 12 एम्पियर है यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ करंट 12 एम्पियर होगा, इससे कुछ नहीं होगा, समझ लेना। वो 440 वोल्ट वो केवल गाना ही है, उसको गाने में याद रखना, कुछ होता होता नहीं है लाल। अब देखो 2π, यहाँ पे 2π रख दो, और बेटा जो डिस्टेंस है वो 48 सेंटीमीटर है मेरे लाल, इसको मीटर में चेंज करोगे 0.48 मीटर आएगा। तो बेटा इंटू 0.48 करोगे मेरे लाल, आपका आंसर आएगा 5 × 10⁻⁶। समझ में आया? लगे रे 440 से वोल्ट छूने से तेरे। अरे 10 मिनट चलेगा अभी, चलिए ठीक। अरे आशीष, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो एक चीज आपको बता देता हूँ आशीष, तुम इस पृथ्वी पर सबसे सुखी इंसान हो। क्या कह रहा हूँ ध्यान सुनना, तुम इस पृथ्वी पर सबसे सुखी इंसान हो अगर तुम्हारा कोई नहीं है, समझ रहे हो आशीष? तुम इस पूरे पृथ्वी पर सबसे सुखी इंसान हो अगर तुम्हारा कोई नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे लाल, और हमें कोई ना बताओ किसका कौन है, और हमें ये सब ना बताओ, अपने दिमाग आप जिसका जो है अपने पास रखे रहो, लेकिन यहाँ यहाँ केवल पढ़ाई, यहाँ पे बदतमीजी नहीं, हंसी मजाक अपनी जगह और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस, बच्चा समझा करो यार, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आसानी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से यार, कुछ दम नहीं है, केवल वैल्यू रखना था। और देख रहे हो तू पाई की वैल्यू ना रखने लगना, पाई हुए की वैल्यू मत रखना यार, पाई पाई को उड़ा देना, दो को दो से उड़ाना, यार टू बचेगा, समझ रहे हो ना? अब काट पीट के देखना, यही आएगा 5 × 10⁻⁶। चलो संजन जी, बात कुछ नहीं है, बात केवल इतना है कि हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब बात केवल इतना है कि आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलो बताओ मेरे शेर, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस मूल कण पर हृदयावेशित है? अगर इसको यही नहीं पता ना, उसको कुछ नहीं पता। ये क्या लिखो आर्यन राज सर, मेरी वाली तो डेली घाघरा करती है। अच्छी बात है, घाघरा करती है। अरे सानिया, संजन सानिया, बिल्कुल बिल्कुल सानिया जी, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ये तो यार जिसको ये नहीं आता ना, वो तो हमको, हम देखो हम दो विनती करते हैं, अगर जिसको ये नहीं आता ना, वो बेटा ना पढ़ाई छोड़ दे प्लीज यार, पढ़ाई छोड़ दो आप। अगर ऋण पे तुम्हें यही नहीं पता कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो प्लीज यार तुम कुछ और काम कर लो, अभी ढूंढ लो, अभी कुछ गया नहीं है, समय आपका लास्ट नहीं हुआ, कुछ और करो। आशा शर्मा, आशा शर्मा आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है। आप तो अभी दिख रही हैं, लेट हो गई। आस्था शर्मा, क्या नाम है? आशा शर्मा, ठीक है ठीक है, जो भी नाम है व्हाटएवर, ठीक। तो आप लोग डेली आया करो यार मेरे लाल, मैं 9 बजे पहुंच जाता हूँ, आपका प्यार मुझे उतनी दूर से खींच के यहाँ लेके चला आता है, लेकिन तुम मोबाइल से लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते? बिल्कुल आशा शर्मा, संजय कुमार, जो भी बच्चे हमारे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ऋणावेशित। और चलो हमें कमेंट के माध्यम से तुरंत लिख के बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? चलो बताओ आशा शर्मा जी बताइए, सानिया जी बताइए, संजन जी बताइए, जुनय जी बताइए, हमारे प्यारे आशीष आर्यन सब बताओ, जितने भी लोग हो मेरे दियार देख रहे हो, सब बताओ क्या होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे। मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट, आपका कमेंट देख रहा हूँ, ऋणात्मक पे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अरे यार अगर ये नहीं पता, ये तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा डायरेक्ट, कोई कमेंट करके बताए तुरंत कि ऋण पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है मेरे लाल। वाह संजन वाह, तुम तो मेरा नाम रोशन कर दिए, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। जिसको नहीं पता ना, कान खोल के नहीं, दिमाग खोल के नोट करो,
कान खोल के नहीं नोट करना है, दिमाग खोल के नोट करना है। समझ रहे हो ना बच्चा, समझ रहे हो? चलो 68 क्वेश्चन बताओ। तुरंत मैं वेट कर रहा हूँ। 68 क्वेश्चन आंसर बताइए। 68 बताइए। सानिया गुप्ता, हम सर हम भी दिए हैं। अच्छा सानिया जी आपका आंसर दिखा। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार सानिया जी, बहुत शानदार। यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और बेटा हमें ये वाला आंसर बताइए, कौन सा क्या पूछा है, कौन सा सदिश राशि है? आंसर किसी का नहीं आ रहा है, आंसर किसी का नहीं आ रहा है बेटा। अच्छा बी आंसर दे रहे हो, संजन जी ने बी आंसर दिया है। अरे आप लोग भी दीजिए आंसर मेरे लाल। अरे तुम जानते हो बेटा, धारा धारा बेटा क्या होता है, ये टेंसर होता है, ध्यान देना। धारा टेंसर होता है, धारा ना तो सदिश होता है ना तो अदिश, धारा टेंसर होता है। दूरी तुम जानते हो अदिश राशि है बेटा, दूरी अदिश राशि है। आयतन भी तुम जानते हो अदिश राशि है। तो बचा क्या तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समझ गए ना तुम, समझ गए ना तुम मेरे लाल, क्या है कौन सी राशि है। आर्यन राज भी, संजन भी, अरे लल्ला आसान आसान समझ के छोड़ो ना, जवाब देते रहो मेरे लाल, जवाब देते रहो, नहीं तो काम तुम्हारा हो जाएगा तमाम। चलो 70 क्वेश्चन देखो, 69 कराऊंगा कल, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा और समय नहीं है। नहीं यार एक क्वेश्चन करा दूं लास्ट है। देखो आसानी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान समझो। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोग के लिए। क्या कर रहे हैं सर जी, मुझे नहीं पता, सॉरी। कोई बात नहीं आशीष, हम तो है ना। बबीता जी आपने डी आंसर बताया, डी आयतन नहीं होगा बबीता जी। अरे बबीता जी ऐसी गलती ना करिए, आयतन नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। संजय कुमार साइड में, साइड हो जाता हूँ मेरे लाल, मैं साइड हो जाता हूँ, मैं आपका कमेंट पढ़ता रहता हूँ। आप सेशन को शेयर कर दें एक बार मेरे लाल, सेशन को शेयर कर दें एक बार शानदार तरीके से, सेशन को शेयर कीजिए यार। तुम लोग डेली यार मुश्किल से 10 बच्चे का ज्यादा नहीं बढ़ रहे हो, 10 बच्चे से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हो। तो कब बढ़ोगे, कब 10 बच्चों से ज्यादा तुम बढ़ोगे? बबीता जी बिल्कुल भी आंसर सही है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी है चाहे लड़कियां हों या आशा जी जो आई थी अभी, और ये जो सानिया जी, खुशबू जी, इन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यार आप अपने यार दोस्तों को भी बुला के लाइए, ठीक है? अपने यार दोस्तों को बुला को लाइए, तभी मजा आएगा। समझ रहे हो ना, तभी क्या आएगा, मजा आएगा। चलो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ यार, ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। 70 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वो एकदम नीचे लिख दिए हैं कि दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन। चलो ये ऑप्शन देख लो, ये चार ऑप्शन है आपकी, 10.5, 65, 80, 70, ये चार ऑप्शन दिए गए मेरे लाल, चार ऑप्शन आपके हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर फ्रेंड ही नहीं है, कहाँ है बच्चा, कहाँ है फ्रेंड, बनाओ ना। चलो तुम आर्यन राज ज्यादा ज्ञान ना बताओ, तुम ज्यादा ज्ञान ना बताओ, सबको पता है श्रम फ्रेंड बनाने से बनता है, तुम पढ़ाई करो तुमसे। अरे आर्यन तुम यार क्या बताओ तुम्हें। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ, इसके बाद सॉल्व करना आप लोग। 150 किग्रा का एक तोप है, तुम जानते हो बेटा क्या जानते हो? अगर मान लो हम एक तोप बनाते हैं, ये आपका एक तोप है, ठीक है? अब इस तोप से क्या होगा, इस तोप से एक गोला निकलेगा बाहर। अब तुम बेटा 150 किग्रा की एक तोप है, तो बेटा जो तोप का मास है, मान लो इसको हम M1 मानते हैं, कितना है, 150 kg है, और बेटा एक गोला दागा जाता है तोप से, हमने भारत ने पाकिस्तान पे तोप से गोला दागा, ठीक है? जब तोप से गोला दागा क्या हुआ, गोला जो गोला का जो स्पीड है, ये गोलवा का स्पीड है क्या है, गोलवा का जो स्पीड है, गोले का स्पीड मतलब V2, मैं गोला का स्पीड V2 ले रहा हूँ, ठीक है? वो कितना है मेरे लाल, 60 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? ये गोला का है, और बेटा हमें निकालना है क्या,
तोप के पीछे हटने का स्पीड, मतलब ये जो तोप है V1 निकालना है, इसके पीछे हटने का स्पीड निकालना है, और गोले का गोला कितना केजी का है, 1.5 केजी का है। तो बेटा यहां से तुम वो उसको निकाल लो, क्या संवेग का संरक्षण नियम क्या जानते हो, यमुमन V1 बराबर होता है क्या M2 V2। इस पे यूज करके तुम लोग आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसको यूज करके तुम लोग क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। अगर कोई समस्या आएगा तो हमें कल तुम बताना, ओके मेरे लाल, कल तुम हमें बताना सर जी हमारा आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। इस फार्मूल पर रख के किसको, M1 V1 बराबर M2 V2। अब तुम्हें बेटा V1 निकालना है तो M1 की वैल्यू रख दो, M2 की वैल्यू रख दो और V2 की वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर मैं बता दे रहा हूँ 65 के लगभग आएगा, ठीक है। तुम्हारा 65 के लगभग आपका आंसर आएगा, इसको यूज कर लेना। किसका ये कैसे आया बेटा, संवेग का संरक्षण नियम, संवेग के संरक्षण नियम से मैंने ये यूज किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे यूज किया है। देखो बेटा तुम्हें ये फार्मूला मैं डायरेक्ट बता दिया है, M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है। और जो बेटा फार्मूला होता है ना, शुरुआत में क्या होता है, ऐसे होता है पी इनिशियल, ध्यान समझना, पी इनिशियल और पी फाइनल। देखो मैं फार्मूला कैसे आता है तुम्हें बता दे, थोड़ा सा देख लो, पी इनिशियल ये मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, लेकिन आप लोग जो बेटा ऊर्जा का संरक्षण, जो संवेग का जो संरक्षण का नियम है वो क्या होता है, पी इनिशियल, ठीक है, बराबर पी फाइनल। पी बेटा मोमेंटम जिसको कहते हैं, जिसको संवेग कहते हो, प्यार से संवेग कहते हैं आप लोग, पी फाइनल। अब तुम जानते हो बेटा शुरुआत में तोप गोला, मतलब कि शुरुआत में क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो उस समय तुम्हारा क्या हो जाएगा, संवेग जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में तुम्हारा फाइनल में क्या हो जाएगा, ध्यान से जरा ये आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लो फार्मूला को मैं डेराइव भी करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। वो डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था M1 V1 बराबर M2 V2, ताकि तुम तुरंत देख के निकाल लो। आशीष गुप्ता, अरे क्या लिख रहे हो यार, अरे बिल्कुल आर्यन राज के लिए एक बार सब लोग ताली बजा दो, आर्यन ने क्या गजब का शब्द लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ, मैं अपने शब्दों में पढ़ देता हूँ, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ध्यान समझना, मैंने अपनी अच्छे आवाज में नहीं गंदे आवाज में पढ़ता हूँ, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल, कोशिश कहाँ कर रहे हो मुझे पता है मेरे लाल, कोशिश यहाँ करो, तुम कोशिश कहाँ कर रहे हो ना आर्यन, तुम कोशिश कहाँ कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना उसी स्कूल से हम भी पढ़ के निकले हैं, तब आज हम पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश अच्छे डायरेक्शन में करो, समझ रहे हो ना। चलो समझो मैं क्या समझाता रहता हूँ, तुम लोग कहाँ फंसा देते हो यार। चलो ये आपका तोप है, ठीक है, ये आपका तोप है, तो यहाँ से एक गोला निकल रहा है, ठीक है, गोला निकल रहा है। अब तुम ही बताओ, अगर बेटा तुम तोप से गोले के स्पीड अगर निकलेगी, अगर गोला आगे जाएगा तो तोप पीछे जाएगा। चलो बेटा आगे वाले को हम पॉजिटिव ब्लास्ट दे देते हैं और पीछे वाले को निगेटिव ब्लास्ट दे देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 V1, लेकिन V1 किसका है, तोप का है, और तोप पीछे जा रहा है, मतलब -V1, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, M2 V2, M2 तो वही रहेगा, M2 से कोई मतलब ही नहीं है, और V2 आगे जा रहा है मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ से V2 हो गया। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा मिलेगा M1 -M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर 0, तब जब लास्ट में M1 V1 बराबर M2 V2 आएगा। तो यही फार्मूला हमने वहां यूज किया है और ये आता यहां से है, समझ में आया। अब गलती तो नहीं करोगे कभी लाल, बिल्कुल बिल्कुल सब समझदार हैं सानिया जी, आजकल की दुनिया बहुत समझदार है। नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मोटिवेशनल पॉइंट है, मैं भी एक मोटिवेशनल पॉइंट आपको सुना देता हूँ, आप मोटिवेशनल के भूखे हैं तो मैं भी सुना देता हूँ। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, ध्यान सुनना, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हौसले से उड़ान होती है। बच्चा अपना अगर हौसला बना रखे, अगर तुम्हें सफलता नहीं भी मिली लेकिन अगर तुम्हारा हौसला ऊंचा है तो कोई माइक का लाल नहीं जो तुम्हें हरा सकता है। चलिए बेटा आज के इसी सारी के साथ आज का सेशन को एंड करते हैं, और एक बार आप लोग
सेशन को जब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा थोड़ा अच्छा अच्छा कमेंट करके शेयर और कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले युद्ध आरंभ हो चुका है और 25 को हमारा युद्ध है। कहां पे? पानीपत के मैदान में। चलो कभी कहीं मेरे यार, आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।